वो बगैरत शख्स यहां पे करने क्या आया था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसको अंदर आने की इजाजत किसने दी? परेशान मत हो, मैं खिजर को संभाल लूंगी। क्यों आया था वो यहां पे? मैं पूछ रहा हूं, आपने उसको अंदर आने किसने दिया? वो खिरत से मिलने आया था। मुझे लग रहा है कि वो चाहता है कि तुम्हारी और खिरत की तलाक हो जाए। कितना बेगैरत है, इतने सालों बाद अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। It's just too much. लेकिन फिक्र मत करना, हाँ आई विल डील विद दिस। वैसे सोचने वाली बात है, इनकरेजमेंट के बगैर तो कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता ना। खिरत को एहसास होना चाहिए, चलो छोटी उम्र पे जो गलतियां कर बैठी है कोई बात नहीं, लेकिन अब एक बच्ची की माँ है, उसे तुम्हारे साथ और हरीम के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। मैं उसको समझाऊंगी, फिक्र ना कर। मैं इस दफा खिसर को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। अशर, अशर मेरी बात सुनो प्लीज। देखो खिरत को अभी कुछ मत कहना, हरीम बहुत बीमार है, वो ठीक हो जाएगी ना तो मैं खिरत से खुद बात कर लूंगी। वो ये चाहता है, डोंट लेट हिम विन, डोंट रिएक्ट, प्लीज डोंट रिएक्ट, लेट मी हैंडल इट प्लीज। यस शुक्र है खुदा का, उसने हमारी बच्ची को सेहत अता की। सही कह रही है बतूल खाला, मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूं वो कम है। अच्छा तुमने क्या सोचा है, हैदराबाद वापसी के फैसले पर अभी भी कायम? जी बतूल खाला, बस हरीम की तबीयत संभल जाए, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद मैं उसे अशर के हवाले कर दूंगी और आपके पास वापस आ जाऊंगी। फिर मुझे जॉब भी ढूंढनी है, जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी है। ये बहुत मुश्किल फैसला है, तुम हरीम के बगैर रह सकोगी? ये मैं नहीं जानती, लेकिन अपनी बेटी की खुशहाली के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैंने ये फैसला किया है बतूल खान। हरीम की जिंदगी के लिए ही मैं अशर के दर पे आई थी, वरना जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसे ना मैं भूली हूं ना मैंने किसी को माफ किया।